एक बात समझ नहीं आ रही, ये मेरे वॉशरूम में रातों रात किसी ने इतना बड़ा फव्वारा कैसे डलवा दिया। वैसे जो भी हो मुझे क्या, मुझे तो नहाने से मतलब है ना। पानी थोड़ा बदबूदार है पर मजा आ रहा है नहाने में। पता नहीं ये मेरे टॉयलेट का पाइप किसने तोड़ दिया। अरे बेटा पिगू, क्रिमिनल कहाँ है? वही ताऊ जी, वो नहा रहा है। अरे ये तो ताऊ जी की आवाज है, लगता है उन्हें कुछ काम है। आप बोलिए ताऊ जी। बेटा मैं बोल रहा था किसी प्लम्बर को बुला दे, मेरे टॉयलेट का पाइप किसी ने तोड़ दिया। कोई ना, वो मैं बैन टैन के दादाजी को बुला लूंगा, वो प्लम्बर है, आप चिंता मत कीजिए। और वो उस टाइप का प्लम्बर नहीं है, दूसरा प्लम्बर है। छोड़ो मैं खुद कर लूंगा बच्चों। Hey guys, good morning, welcome to my new blog. तो guys, मैं अभी सोकर उठा हूँ और पूरी रात जाकर एडिटिंग कर रहा था। वही देखो guys, आज मैंने नए दांत डलवाए हैं, इससे काटने में बहुत मजा आता है, निशान छूट जाता है, इससे पता चल जाता है पिगू भाई काट गए हैं, दुश्मनों में खौफ पैदा होता है। पिगू सारे, तू मेरे चीजों को क्यों सो रहा है? छोड़ उसे, तू अपनी माफिया गिरी पे ध्यान देना, साला व्लॉग नहीं करने देता। गाइज आप लोग कमेंट में बताना मुझे अपनी व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं। गाइज ये पिगू की बात को सीरियसली मत लेना, ये बदमाश है, कुछ भी बोलता रहता है। बाकी मैं यहाँ पे नहा रहा था, मजा आ गया, काफी सालों के बाद नहाया। और गाइज आज एक हमारे स्पेशल गेस्ट आने वाले है, विक्टर दादा। जैसे हमारे आदम सासा है वैसे ही वो विक्टर दादा है। कौन कौन उन्हें जानता है कमेंट में बताना, मैं नहीं बताऊंगा। वो अभी पहुंचते ही हो गए, मुझे उन्हें पिक करने जाना है, तो सड़ो सड़ते हैं। सही बात है आदम सासा, मम्मी आज अच्छा खाना बनाना, क्या पता मेहमान का पेट बिगड़ जाए, लहसुन कम डालना। अबे ओ, कहाँ जा रहा है, वापस आ। जी मोहतरमा, आपने मुझे बुलाया? नुबड़े बदतमीजी करता है, एक गोला छोड़ के मारूंगा। अबे मैंने मोहतरमा कहा, ऐसी बात है ये, इसमें डिसरिस्पेक्ट कहाँ हुई जाहिर? छोड़ इपू, ये कहीं से सीख कर आया होगा। वैसे कहाँ जा रहा है तू? मेरे एक मेहमान आने वाले हैं, तो उन्हें पिक करने जा रहा हूँ, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, पर मेहमान कौन आने वाला है वो तो बता। नहीं आदम सासा, वो मेरा पर्सनल है, वो अभी रिवील नहीं कर सकता सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। ठीक है चल, अच्छी बात है। ठीक है सरिया, मैं सड़ता हूँ, गुड बाय मोहतरमा। अबे नुबड़े, लड़कियों को कहते हैं मोहतरमा, लड़कों को नहीं। हाँ एपू समझ गया, सरिया मैं सड़ता हूँ मोहतरमा। लगता है ये थोड़ा सा बेहर का बेटा है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है एपू, तू इसके पीछे जा। हाँ एकदम सासा, सही कहा आपने, मैं छुप के इसका पीछा करता हूँ, देखता हूँ कहाँ जा रहा है। आदम सासा की कार छुड़ा ली, इसमें मेहमान के सामने रोलना पड़ेगा। ये तो चाचा की कार लेके जा रहा है, मेरे पास तो कार ही नहीं है। एक काम करता हूँ, गोले से इसका पीछा करता हूँ। अरे 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 यार, ये कहाँ आ रहा है, रॉन्ग साइड में। अबे यार, अरे यार रॉन्ग साइड क्यों सड़े आते हैं? चलो अच्छा है किसी को कुछ नहीं हुआ, पर यार मेरी कार का अगला टायर फट गया, अब क्या करूँगा। एक काम करता हूँ, किसी की कार छुड़ा लेता हूँ। और ये क्या सासा, कहीं भी पी के पड़े रहते हैं। ये वाली कार बहुत ही अच्छी है, ये लेकर भाग जाता हूँ। वैसे गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि हम अपनी सुपर कार कहीं भी छोड़ के सड़े जाते हैं, तो देखो ऐसा है, आदम सासा बहुत पैसे वाले हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पता भी नहीं होता उनके पास कितनी कार है। आधे घंटे से वेट कर रिया सू, यो लाल टट्टी कहाँ रह गया? लगता है वापस जाना पड़ेगा बुद्धू बना रिया से। अरे ये लो विक्टर दादा, मैं आ गया, बैठिए बैठिए जल्दी से बैठिए। रे भाई मन ने तो लगा बुद्धू बना रिया से, मैं तो वापस जाने वाला था। रे भाई यो के कर रिया से मारा सामान छूट गया। क्या सामान वामान, नया ले दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो आप, सील करो। अच्छा बाबू मसाई, तो यह मेहमान है, क्रिमिनल तो पबजी वालों के साथ मिला हुआ है, लगता है कोई बड़ी साजिश होने वाली है, हम फ्री फायर वाले खतरे में है, इन्हें उड़ाना पड़ेगा। रे भाई क्रिमिनल, यो के हो रिया से, कोई हम पे हमला कर रिया से। अरे कोई हेटर होगा सारा, क्यों चिंता कर रहे हो, सील करो। भाई लंच ब्रेक हो गया वे, क्या बात है, आज तो मेरे घर वालों ने लंच में बर्गर दिया है, अमीर होते जा रहे हैं। अच्छा तो मेला लंच बॉक्स साले छोटू तूने ले लिया? आ गया भीख मंगा, साले मैंने नहीं लिया है, मेरे घर वालों ने बर्गर दिया है।
झूठ मत बोल, तेरी औकात नहीं है बर्गर की, ये मेला बर्गर है। अबे देखना लहसुन बर्गर है, हमारे घर वाले ही लहसुन बर्गर खाते हैं। तुम कच्चे डायपर वालों की औकात नहीं है बर्गर की, समझे? अबे औकात की बात मत कर, निकल यहाँ से वरना मार खाएगा। तो हमने भी हाथ में सूलिया नहीं पहल रखी, समझा? सही कहा विक्टर दादा, हम हमारी सालों साल सड़ी आई दुश्मनी को खत्म कर देंगे। सही कहा भाई, बहुत हो गया पबजी वाला, फ्री फायर वाला, यो साजिश से हमारे खिलाफ। सही कहा, कुछ लोग जनता को मैनिपुलेट करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बनाते हैं। सही कहा, हम मिलजुल के रह सकते से शायद। सड़िए यहाँ पर पेट्रोल डलवा देते हैं और मैं वॉशरूम जाके आता हूँ, आपको आना है क्या? ना भाई, तू जाके आ, मैं कार में ही बैठा सू। अच्छा तो वो दोनों यहाँ पर है, लगता है क्रिमिनल कहीं जा रहा है। ये बहुत बढ़िया मौका है, विक्टर को उड़ा देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। रे भाई यो कैसे, यो तो यूसी पड़े हुए से और इतने सारे भाई, एक काम करता सू, ले लेता सू। रे भाई यो कार किसने उड़ा दी, लगता से हेटर आ गया। अच्छा हुआ मैं बाहर निकल गयो, इसलिए बच गया। अरे बाप रे, ये तो बहुत गया, भागना पड़ेगा। अबे ये क्या, ये कार भी किसी ने उड़ा दी, अब नहीं ढूंढनी पड़ेगी। विक्टर दादा आप ठीक तो हो ना? हाँ भाई, इस बार तो बच गयो, पता नहीं कब तक जिंदा रहूँगा। चिंता मत कीजिए विक्टर दादा, मैं आपके साथ हूँ, आपको कुछ नहीं होने दूंगा। साले तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, चला जा यहाँ से। अबे नुबली वाले, तू नहीं जानता मेरा बल्ला भाई कौन है, समझा? अच्छा ये बात है तो हो जाए, बुला ले अपने बड़े भाई को, मैं भी अपने बड़े भाई को बुलाता हूँ, वो बदमाश है, समझा? बदमाश तो लुक, मेरे बड़े भाई को आने दे, तेले बड़े भाई की हवा निकाल देंगे, वो तो पता चल जाएगा कौन किसकी हवा निकालता है। अरे ये क्या छोटू का कॉल? हाँ बोल छोटू। सुन क्रिमिनल, जल्दी से मेरे स्कूल पे आ जा, तेरे भाई की लड़ाई हो गई है। अबे कौन है वो सारा टुड़ुक, पकड़ के रखना उसे, अभी मैं आता हूँ। आ जा तू जल्दी आ जा, वरना मैं इसे मार दूंगा। साड़ों की हिम्मत कैसे हुई, हमारे खानदान वालों से पंगा लेने की? नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। विक्टर दादा आप यही रहना, मैं अभी आता हूँ, एक छोटी सी मैटर हो गई है। रे अभी तो बोल रहा था हमारे साथ रहेगा, आप छोड़ के जा रिया से। चलो मैं भी दो दो हाथ कर लेता हूँ वेटर्स के साथ। साले अपने भले भाई के दम पे ही उछलता रहता है, तू खुद तो कुछ नहीं कर सकता। ये बात है तो आजा कर ले दो दो हाथ। ठीक है आजा, पछताएगा तू, वो तो अभी पता चल जाएगा साले कौन पछताएगा, अपना पूरा दम निकाल दूंगा। हाँ, सो तू रोज मेरा लंच चुला लेता है। हाँ, ये रोज मुझे डायपर कहीं का बुलाता है। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये मुझे डीफेम कर रहा है। इसके पास तो फेम ही नहीं है, क्या डीफेम करूँगा। ये देखो ये दोनों बच्चों की लड़ाई हो गई। हाँ देखने में बहुत मजा आ रहा है। सही कहा, देखने में तो बहुत मजा आ रहा है। अरे इनको कोई हथियार दे दो भाई, तब और मजा आएगा। साला नूबली का सोतू। अबे कस्टम कर ले, पता चल जाएगा कौन नूब है। कौन है वो जिसने मेरे छोटे भाई सोटू को परेशान किया? अरे क्रिमिनल आ गया, अभी मजा आएगा ना साले। कौन है वो सोटू? ये है जो तुझे परेशान कर रहा है। हाँ यही है, मार दे साले को। अभी इसकी हड्डी पसड़ी एक कर देता हूँ, दूसरी बार तेरे से पंगा नहीं लेगा। बच्चों को क्यों परेशान कर रहा है, मुझसे भिड़ना। अबे ये कौन है? अरे ये उसका बड़ा भाई है। हाँ तो तेरे को मार देता हूँ बेटा, किससे मरना पसंद करेगा। भले भैया इसको औकात दिखा दो। रुक मैं तेरे को ऑप्शन देता हूँ, बेटा तेरे को शॉटगन से मारू या फिर AK-47 से मारू। नहीं, एक और ऑप्शन देता हूँ, स्नाइपर से मजा आएगा। अबे पहले तुझे चलानी भी आती है, बड़ा आया गन्स लेके। सारे कैसी बात कर रहा है, रुक अभी इसको मार देता हूँ। ये ले देख लिया, आती है ना सलानी मुझे। साले अब मैं तुझे एक बंदे को मारने के इल्जाम में अरेस्ट करता हूँ, और इन गन्स का लाइसेंस है क्या तेरे पास? अबे छोटू पहले बता देता, इसका भाई तो पुलिस वाला है। अरे गलत आदमी से पंगा ले लिया, भाग जाता हूँ वरना जेल में डाल देगा, करियर शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। अबे यार मैं यहाँ हूँ, पता नहीं विक्टर दादा का क्या होगा। रे भाई क्रिमिनल तू भी इधर से, मैं भी यहीं पर हूँ।
अरे आप जेल में कहाँ से आ गए? रे भाई, दो तीन बंदे खड़े थे, मनने लगा हेटर से तो मार दिए। चलो कोई ना, आडम सासा आके हमें छुड़ा लेंगे। फिर तो बढ़िया से। वैसे इंस्पेक्टर साहब, यहाँ आके मेरा एक फोटो खींच देना, वो थंबनेल में क्लिकबेट करना है, आई गॉट अरेस्टेड।